मुझे है वो हमें तो क्या जा। सुबह से शाम तक वो बिजी है, सुबह से शाम तक वो बिजी है और लोग समझते हैं कि वर्किंग वुमन होना बहुत इजी है। जी हाँ दोस्तों, ये तो समाज का भ्रम है कि एक गृहिणी, जो गृहिणी भी है, जो फैमिली को भी देखती है, वर्किंग भी करती है और जिम में भी आती है, फिटनेस पे वर्कआउट बहुत करती है। हमारे साथ है जलगांव जिले की प्रथम महिला मैडम, हैप्पी वुमेंस डे कलेक्टर रुबेल जी अग्रवाल, जिन्होंने पिछले 3 साल में अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ी है, जिनके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जब भी मिलाती है फूलों से नजर तो अपने ही आप में मगन लगती है और खामोश रहे तो किसी मूरत के समान है, खामोश रहे तो किसी मूरत के समान है और बात करती है तो मीरा का भजन लगती है, बात करती है तो मीरा का भजन लगती है। मैम हेलो, एक अलग रूप आपका देख रहे हैं हम लोग, मतलब हम देखते हैं आपको बहुत ही जिम्मेदारियां होती है, मैसूर का काम होता है एंड बीइंग IAS बावजूद उसके आप फिटनेस पे भी वर्क कर रही है, तो वुमेंस डे के अवसर पे किस तरह से आप बात करने की महिलाओं को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं जलगांव की सब महिलाओं को वुमेंस डे के ऊपर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबको बहुत सारी विशेष देती हूँ। और वर्किंग लेडी होना या वर्किंग वीमेन होना कोई मतलब, बहुत बार लोग कहते हैं कि आप वर्किंग वीमेन है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है आपकी पर्सनल फिटनेस को ध्यान करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लास्ट 8 ईयर से सर्विस में हूँ और मैं जो फर्स्ट 6 ईयर थे, क्योंकि शुरू शुरू में आप सर्विस में आते हैं उसके बाद आपकी फैमिली बीबी ये सब होता है, तो उस वक्त आप लोग अपना वर्क और फैमिली बैलेंस के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि आपके पास आपके खुद के लिए टाइम नहीं होता। और फिर मैंने देखा लास्ट जब मैं कलेक्टर करके यहाँ ज्वाइन हुई थी तो मतलब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, इतना स्ट्रेस के ना आई मतलब ऑलवेज रिएक्ट ऑन माई कलीग्स, तो मुझे ये लगा कि मुझे भी मुझे पर्सनल थोड़ा सा अपने मेंटली फिजिकल फिटनेस, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जुम्बा वगैरह एक्टिविटी करी, मैं बहुत साइकिलिंग भी करती हूँ और योगा डांस ये सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, लेकिन फाइनली जब यहाँ पे गोल्ड जिम ओपन हुआ जलगांव में तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज ए कलेक्टर मैं जलगांव में हूँ और जलगांव में गोल्ड जिम है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उसका यूज़ किया पूरा पूरा और मैं लास्ट 1.5 ईयर से यहाँ आ रही हूँ और रिजल्ट भी आपके सामने है, मतलब काम के अंदर दिखता है, फैमिली में दिखता है, इवन फैमिली में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है जब अगर आप जिम जाते हैं, जिम से आते हैं तो आपकी पूरी फैमिली ऐसे फिट हो जाती है ऐसा मुझे लगता है। और वर्क में मेरा बहुत उसमें इंक्रीज हुआ है और खुद को लेडीज़ को क्या चाहिए, कोई 4 लोग बोलते हैं आप अच्छे लग रहे हो, आप स्लिम लग रहे हो, तो फाइनली आप कोई भी पोस्ट पे हो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे लग रहा है अभी मुझे और टाइम लगेगा बहुत फिट होने के लिए, लेकिन स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।